नारी शिक्षित होना जिथे जन चेतना आई उथे इस जन चेतना ने औरत चेतना जन्म दिता। फलस्वरूप औरत अपने स्वैमान प्रति जागृत हुई। नारी चेतना से नारी संवेदना ने ते खूबसूरत समेल ने काव्य सिरजना नूं भरवां बारा दिता। इस काल नूं पंजाबी साहित्य इतिहास में परिवर्तन काल वजों जाणिया जांदा है, क्योंकि इस काल में मध्यकाली दृष्टि का स्थान आधुनिक दृष्टि ने लै लिया। साडा इतिहासिक पिछोकड़ इस गल का गवाह है कि 1980 तो पहला नारी चेतना के आगाज ने औरत की चुप नूं तोड़ के उसनूं बोलता दिते, पर उस समय के कवित्रियां की जो सुर सी वह वेदना मूलिक सुधारवादी और समझौतावादी रही। पर 1980 तो बाद लिखी गई कविता विद्रोही जो सुर है उस रोह भी है तो विद्रोह भी सी। डॉक्टर एस तरसेम अनुसार पंजाबी कविता में नारी चेतना की अभिव्यक्ति का आगाज 20वीं सदी के पंजे दहाके भी अमृता प्रीतम नाल ही होया। अमृता प्रीतम एक सुचेत कवित्री वजो उभर के आई। उसकी बिंदास कलम ने देश की वाणिज्य दुकान अपनी कविता राही आदि नारा मारिया। उसने समाज दया रूढ़ीवादी परंपरावान रस्मों व्यंग महिषा जीवित मंगा लिया। कवित्री होने वो जी सी अपना एक नावलकार भी सी, कहानीकार भी, स्वै जीवनीकार भी सी। उसने नावल पिंजर से फिल्म भी बनी। स्वै जीवनी रसीदी टिकट न थी उसने नाम ना कटिया, पर फिर भी वो बतौर कवित्री ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई। उसकी प्रसिद्ध कविता आप हम विकास पढ़ते हैं।